पद्मावत रिलीज हो रही है उस पर भारी विरोध चल रहा है। हर तरफ आप देख रहे हैं विरोध है। इन्हों की क्या जो फिल्म रिलीज हुई है, क्या मानना है आपका, विरोध सही है या गलत है? हमारे हिसाब से मानना तो जो विरोध है ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि मूवी में जो है जो भी दिखाया है वो गलत कुछ नहीं है। अगर हमारी समझ से पब्लिक प्लेस पे ऑडियंस के बीच में अगर कुछ गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो भी बातचीत में अगर मूवी को हरी झंडी दिखाई गई ये नहीं दिखाई जाती। लेकिन यहाँ जो विरोध कर रहे हैं राजपूत परिवार के लोग, राजपूत खानदान के लोग, वो कह रहे हैं हमारे पद्मावत हमारी माता थी और उन्हें इस तरह से दिखाया गया है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हमारा तो मानना जो है राजपूत के खानदान को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के खानदान से दिखाए गए हैं। उसके बाद में जो पिछला रिकॉर्ड जो था मतलब उन्होंने वो दिखाया है जो उसके वहाँ होता था आज से जो भी उस साल पहले। सुना आपने फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विरोध किया जाए। पद्मावत रिलीज हो रही है उस पर भारी विरोध चल रहा है। हर तरफ आप देख रहे हैं विरोध है। इन्हों की क्या जो फिल्म रिलीज हुई है, क्या मानना है आपका, विरोध सही है या गलत है? हमारे हिसाब से मानना तो जो विरोध है ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि मूवी में जो है जो भी दिखाया है वो गलत कुछ नहीं है। अगर हमारी समझ से पब्लिक प्लेस पे ऑडियंस के बीच में अगर कुछ गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो भी बातचीत में अगर मूवी को हरी झंडी दिखाई गई ये नहीं दिखाई जाती। लेकिन यहाँ जो विरोध कर रहे हैं राजपूत परिवार के लोग, राजपूत खानदान के लोग, वो कह रहे हैं हमारे पद्मावत हमारी माता थी और उन्हें इस तरह से दिखाया गया है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हमारा तो मानना जो है राजपूत के खानदान को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के खानदान से दिखाए गए हैं। उसके बाद में जो पिछला रिकॉर्ड जो था मतलब उन्होंने वो दिखाया है जो उसके वहाँ होता था आज से जो भी उस साल पहले। सुना आपने फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विरोध किया जाए।